वेलकम बैक टू माय चैनल शेप अप आवर फैमिली। और कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड हेयर ऑयल। तो काफ़ी टाइम से मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो पहले भी मैं ये प्रिपेयर कर चुकी हूँ, तो काफ़ी फ़र्क है मुझे बालों में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो गाइस, ये है आंवला। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़ पेटल्स, ये देसी गुलाब है। और नेक्स्ट है हिबिस्किस फ्लावर, तो हिंदी में इसे गुड़हल के फूल भी कहते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं हेयर फॉल में, और डैंड्रफ में भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है। तो जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये बाल्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनके गंजापन होता है ना, उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये वाला फ्लावर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी लीव्स, तो कड़ी पत्ता हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और गाइस, अगर आपको गुड़हल के फूल नहीं मिलते तो आप इसके लीव्स भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। तो गाइस, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेयर्स के लिए। तो गाइस, ये है आयरन की कढ़ाई, तो मेक श्योर जो भी आप लो उसका बॉटम काफ़ी हैवी होना चाहिए। तो गाइस, ये है चटनी जार, तो मेक श्योर आप चटनी जार में ही आंवलों को पीसना। तो मैं यहाँ पे सारे एक एक आंवलों को कट कर लूँगी और इसकी सीड्स अलग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 आंवले लिए हैं, ये देसी आंवले हैं गाइस। आपको अगर कोई भी मिलते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हो। सबको पीसना है, और मैंने ये जो कड़ी पत्ता है ये मैंने 2 हैंडफुल लिए हैं, करीबन 25 से 30 लगा लीजिए आप। और ये हैं गुड़हल के फूल, तो ये भी मैंने 4 से 5 लिए हैं। मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी। तो गाइस, ये ऊपर वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुड़हल के फूल का। तो गाइस, अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल डालूंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कोई भी डाल सकते हो, पैराशूट है तो आप पैराशूट भी डाल सकते हो। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालूंगी, तो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। मेक श्योर गाइस, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा आपका ऑयल। तो देखिए कितना फाइन पेस्ट बना है इसका। तो गाइस, इसके बाद मेरे पास ये मेजरमेंट कप है, 1 कप यानी कि 150 ml का ये मेजरमेंट कप है। तो मैं इसमें 1 कप कोकोनट ऑयल डालूंगी, ये ऑर्गेनिक है, आपके पास जो भी होगा आप अवेलेबल है आपके पास वो डाल सकते हो। 1 कप कोकोनट ऑयल, और इसके बाद मैं डालूंगी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, 1/2 कप मैं बादाम का तेल डालूंगी इसमें। और उसके बाद मैं डालूंगी कैस्टर ऑयल, ये भी 1/2 कप ही डलेगा क्योंकि ये बहुत थिक होता है। तो टोटल हमारा हो गया 300 ml ऑयल। तो गाइस, अभी मैंने ये गैस ऑन नहीं किया है। तो गाइस, इसके बाद हम जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम ऑयल में डाल देंगे। तो गाइस, इसके बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दिया है, बिल्कुल सिम पे बनाना है इसको, तो तभी जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं तभी इस तेल के अंदर आएंगे। धीरे धीरे ये पकेगा गाइस, 20 से 25 मिनट्स के लिए हमें इसे पकाना है। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, धीरे धीरे जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे ऑयल में। ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है ये। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया। तो गाइस, आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो, तो इसका कलर और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो गाइस, इसके बाद हम किसी भी कांच के कंटेनर में निकाल लेंगे इसे, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप उसमें निकाल लीजिए, पर प्लास्टिक में मत डालिएगा, मेक श्योर कांच का ही कंटेनर हो। गाइस, एक
भी अच्छे से स्क्वीज हो रहा है, इससे हाथ भी ऐसे नहीं हो रहे। तो गाइस अभी रेडी हो चुका है, मैंने इसमें कपूर डाल दिया है। तो इसमें लास्ट में आपने कपूर डालना है। तो गाइस अभी बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।